अब बेटा हमारा लास्ट टॉपिक है लाइकेन। क्या है बेटा लाइकेन? ये लाइकेन लाइकेन क्या होता है बेटा? लाइकेन के बारे में हम पहले भी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं थोड़ा सा, ठीक है। लाइकेन क्या होता है बेटा? एक ऐसी रिलेशनशिप होती है एल्गी और फंगी के बीच में, फंगी और एल्गी के बीच, या फंजाई बोलो, इन दोनों के बीच में बेटा एक ऐसी रिलेशनशिप होती है जिसके अंदर दोनों एक दूसरे का काम चला देते हैं। हम पहले ही पढ़ के आए हैं भैया, फंगी जो होती है वो तो हेटरोट्रॉफ होते हैं, खाना तो बना नहीं सकते, लेकिन एल्गी क्या होती है? एल्गल ब्लूम, एल्गी, तो बेटा ये तो अपना खाना बना सकते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, मैंने पहले ही बताया था ज्यादातर कंडीशन में। तो ये क्या करता है? ये दोनों आपस में रहते हैं तो फंगस बेटा इसको शेल्टर देता है, इसको क्या देता है? शेल्टर देता है, रहने के लिए घर देता है। और लेकिन ये बदले में एल्गी इसको क्या देती है? रहने के लिए घर भी वो देता है, तो ये खाना बनाकर उसे देती है, समझ गए? तो बेटा जो खाना बनाकर दे वो फाइकोबायोंट, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। हाँ, और जो बेटा घर दे वो माइकोबायोंट, मेरा घर माइकोबायोंट। फाइकोबायोंट मतलब मैं कर सकती हूँ फोटोसिंथेसिस, मैं दूंगी खाना, फाइकोबायोंट। एक याद कर लो, दूसरा याद हो जाएगा। पूछ लेते हैं कौन सा फाइकोबायोंट है कौन सा माइकोबायोंट है। ये तो हेटरोट्रॉफ, ये ऑटोट्रॉफ। ये फूड बनाता है, ये क्या शेल्टर देता है, मिनरल और वाटर भी दे देता है खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए सामान भी ये दे देता है, ठीक है। अगला ये बेटा, ये पोल्यूशन के इंडिकेटर भी होते हैं। क्या? पॉल्यूशन के इंडिकेटर। जिस जगह पर पॉल्यूशन ज्यादा होगा उस जगह पर लाइकेन या तो बहुत कम होंगे या बिल्कुल नहीं होंगे, और जिस जगह पर पॉल्यूशन कम होगा वहां लाइकेन ज्यादा होंगे। इसी के साथ बेटा चैप्टर खत्म होता है।